हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक विथ एग्जाम्पल नंबर टू विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर टू. राइट नाउ मेरे पास भी टेक्स्ट बुक नहीं है, मैं जस्ट आपको स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ. अभी कैसे भी थोड़े दिन मैनेज करना है आपको भी मुझे भी, राइट? जस्ट रीडिंग के लिए जब मैं रीड कर रही हूँ तो आपको भी थोड़ी क्या रीड कर रही हूँ हेल्प हो जाए. तो एग्जाम्पल नंबर टू पेज नंबर 9 पे दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के. इसमें बताया कि करण एंड किरण आर पार्टनर्स इन मेजर्स ऑफ मेहता एंटरप्राइजेस. कहाँ पार्टनर है वो? तो मेहता एंटरप्राइजेस में वो दोनों पार्टनर्स हैं. उन्होंने फर्म स्टार्ट की है. दे हैव स्टार्टेड बिजनेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स ऑन 1st अप्रैल 2019 को उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है. उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया वो कैपिटल्स होता है, राइट, जो पैसा लाए उन्होंने. तो दे कंट्रीब्यूट 5 लाख ईच. यहाँ पे एक ही अमाउंट दिया है, इसका मतलब ईच वर्ड आपको हेल्प कर रहा है, बता रहा है कि दोनों ने 5-5 लाख लाया है एज देयर इनिशियल कैपिटल्स. मतलब उन्होंने स्टार्टिंग का अपना कैपिटल 5 लाख रुपीस लाया है, दोनों ने भी 5 लाख लाया है, ठीक है. करण हैज विड्रॉन, मतलब करण ने विड्रॉ किया, मतलब ड्राइंग्स भी करण की, 20,000. एंड किरण हैज विड्रॉन 15,000 रुपीस. किरण ने 15,000 विड्रॉ किया फॉर देयर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, इसलिए वो ड्राइंग्स हो गया है. तो हमारे पास ड्राइंग्स है 20,000 एंड 15,000, ठीक है. देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 12%. 12% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया है. एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट ऑफ 3% पर एनम. ड्राइंग का इंटरेस्ट भी 3% पर एनम बताया, लेकिन यहाँ पे ड्राइंग्स कौन सी तारीख को कौन से महीने में विड्रॉ किया वो नहीं दिया हुआ है ना, विड्रॉवल पर्सनल यूज के लिए. तो हम इसको 6 मंथ लेने वाले हैं. इमीडिएटली क्वेश्चन रीड करने के टाइम पे हमको क्विक होना चाहिए, ध्यान में आना चाहिए कि डेट दिया है क्या, कितने मंथ्स का कैलकुलेट करने के लिए बोला कि अगर पर एनम इस तरीके से और कोई डेट नहीं दी है तो आपको फिर 6 मंथ का स्ट्रेट अवे लेना है. 6 महीने का ही आप ड्रॉइंग्स लोगे, ठीक है. फिर उसके बाद करण इज एंटाइटल टू गेट सैलरी 1,800 पर मंथ. करण को 1,800 रुपया पर महीना सैलरी मिलने वाली है, मतलब उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा. आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए तभी करण की टोटल सैलरी फुल ईयर की पता चलेगी. देन किरण इज अलाउड टू गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन नेट सेल्स. नेट सेल्स पे किरण को 5% का क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा. नेट सेल्स यहाँ पे अमाउंट दिया है क्या, देखो नेक्स्ट लाइन में दिया है, ड्यूरिंग द ईयर नेट सेल्स इज ₹2,50,000 एंड नेट प्रॉफिट. बाद में नेट प्रॉफिट तो हमारा कमीशन 5% हम 2,50,000 पे करेंगे. उसके बाद में नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 60,000 रुपीज नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. यहाँ पे आप देखो आपको रेशियो दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है क्या, PSR नहीं दिया है ना, नहीं दिया है. क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट द रेशियो, तो आपको क्या करना है, मैंने थियरी में पढ़ाया है, आई होप आपको रिकलेक्ट हो गया कि उन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. मतलब 60,000 प्रॉफिट हुआ है तो दोनों को 30,000 मिलने वाला है. तो ये सब हम वर्किंग नोट में फिर से देखेंगे. मैं फर्स्ट वर्किंग नोट सॉल्व करूंगी, उसके बाद में हम इसके फॉर्मेट मतलब परफॉर्मा में हम एंट्रीज देंगे, लेजर बनाएंगे इनका. प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल मेथड भी बोला है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड भी बोला है, तो स्टेप बाय स्टेप हम दोनों भी कवरअप करेंगे आज के सेशन में. पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट से. मैं ये क्वेश्चन का स्क्रीन हटा रही हूँ, आपके सामने क्वेश्चन नहीं है तो भी कोई बात नहीं, वर्किंग नोट में अभी मैं फिर से रिपीट करने ही वाली हूँ. आइए वर्किंग नोट से स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट, क्योंकि सारे अमाउंट के कैलकुलेशंस हम कर लेंगे. एग्जाम्पल टू का वर्किंग नोट है ये, पेज नंबर 9. आई ऑलवेज प्रिफर टू राइट लाइक दिस. अगर बुक को खोल के रिफर करना हो तो हम इजिली फ्यूचर में रिफर कर सकते हैं, तो ऑलवेज क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर लिखिए, उसका पेज नंबर भी लिखिए, इट्स अ गुड हैबिट, ठीक है. तो अभी पहला हम पहले लिख लेते हैं कि क्या बोला है हमको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
हम कैलकुलेट कर लेते, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, तो वर्किंग नोट में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। एट द रेट कितनी कैपिटल की रेट दी है इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% कैलकुलेट करने बोला, तो एट द रेट ऑफ 12%। अभी यहाँ पे करण है किरण, तो दोनों का मुझे नाम ही लिखना पड़ेगा, शॉर्ट फॉर्म नेम मैं नहीं ले सकती ना, दोनों के से ही स्टार्ट हो रहे हैं, करण एंड किरण, वर्किंग नोट में भी पूरा नाम ही ले लेती हूँ। करण का कैपिटल कितना है, यहाँ पे बात हुई थी कि 5 लाख ईच लाया है, राइट, क्वेश्चन में दिया है, मैं अपने आप से नहीं उठा रही हूँ अमाउंट, तो 5 लाख ईच मतलब दोनों ने 5-5 लाख लाया है, तो 12% कैलकुलेट करना है, मतलब फुल ईयर का, तो 12/100, ठीक है, उससे मैं कैलकुलेट करूंगी आपको। अभी ये 0 0 और ये 0 0 गया, कैंसिल हो गया, अभी 12 फाइजा, देखो ये 3 0 तो मैं एज इट इज लिख लेती हूँ, राइट, उसके बाद में 12 फाइजा कितना होता है, 60 होता है, तो यहाँ पे 60, तो मतलब 60,000 क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सेम ही आने वाला है, तो 60,000 तो आपके वर्किंग नोट में आपके पास आ गया, 60,000 दोनों ने इंटरेस्ट मिलने वाला है उनके कैपिटल पे, ठीक है। उसके बाद में हमारी सेकंड वर्किंग नोट क्या होगी, सेकंड वर्किंग नोट हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ले लेते हैं, करने सारे ही है, कैलकुलेट करने के बाद इजी हो जाता है, हम लोग क्विकली, एरर भी नहीं होते हैं और वर्क भी अनटाइडी नहीं होता है, राइट। इज चार्ज, ये चार्ज होगा, वसूल करेगी फर्म, दोनों भी पार्टनर से है ना, दोनों ने विड्रॉवल किया एट द रेट ऑफ 3%। यहाँ पे क्वेश्चन में डेट नहीं दी है कब विड्रॉवल किया था, इसीलिए हम इसको 6 मंथ का लेंगे, क्या लेंगे, 6 मंथ का लेंगे। अभी इसने कितना विड्रॉवल किया, करण ने 20,000 और किरण ने कितना किया, 15,000, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मेंशन है, राइट, कितना दिया है, 20,000 एंड 15,000, तो करण का 20,000, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/100, राइट, परसेंट मतलब 100, मल्टीप्लाई बाय 6/12, मल्टीप्लाई बाय 6/12, हाफ ईयर का लेना है हमको, क्या, हाफ ईयर का, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करने पे आपको ये देखिए 0 0 0 0 आपने कैंसिल कर दिया, 6 1 6, 6 2 12, अभी 2 1 2 और यहाँ पे 2 1 2 और यहाँ पे कितना हो गया 0 0, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 3 किया, तो 300 रुपीज ड्रॉइंग्स का आ गया, करण का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उसको देना पड़ेगा। सेम वे हम कैलकुलेट करेंगे, 3/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 6 1 6, 6 2 12, इसके बाद 2 1 2, 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, तो यहाँ पे आ जाओ, 2 1 2, 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 75 आता है, 75 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, रुपीज 225, 225, तो इस तरीके से हमको 300 एंड और दूसरा रुपीज 225 मिल जाएगा। आपको ये वर्किंग नोट पेज नंबर 10 पे दिए हुए, वर्किंग नोट कहाँ पे दिए, पेज नंबर 10 पे दिए, तो ये जो आपका सेकेंड वर्किंग नोट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपको पेज नंबर 10 पे दिया, उसमें एरर है, वहां पे आपको 6/12 के बदले 2/12 दिया हुआ है। अगर आप सोचोगे ये क्या कैलकुलेशन के, ये 300 कैसे आया, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई बाय 2/12 दिया, तो वो एरर है, आप करेक्शन कर लेना, मैं आपको दिखा देती हूँ स्क्रीनशॉट पे कि कहाँ पे एरर है। ये देखिए, ये जो आपका 2/12 है एंड 2/12 है, ये 2/12 नहीं, 6/12 होना चाहिए, 6/12 एंड 6/12, अगर आप इस हिसाब से जाते हो तो आपका आंसर एकदम टोटली रॉन्ग आने वाला, और वैसे भी ये यहाँ पे एरर हुआ है, या फिर मल्टीप्लाई बाय हाफ होना चाहिए था, मतलब हम लोग 6 मंथ का ले रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई बाय हाफ होना चाहिए था, तो ये आप जब आपके पास टेक्स्ट बुक आ जाएगी तब आप इसमें करेक्शन टेक्स्ट बुक में कर लीजिएगा। अभी आते हैं नेक्स्ट, हम नेक्स्ट वर्किंग नोट पे, बुक नई नई है, फर्स्ट एडिशन है, एरर हो जाते हैं, मिसप्रिंट हो जाती है। अभी हमारा थर्ड हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट क्या, कमीशन पेड टू करण, कमीशन का कर लेते हैं या सैलरी का कर लो, कोई भी कर सकते थे हम, कमीशन पेड टू करण, करण को कमीशन कितना मिल रहा है, कमीशन की कितने की बात हुई, 5% ना,
एट द रेट ऑफ 5% मिल रहा है, किस पे? ऑन नेट सेल्स, किस पे? ऑन नेट सेल्स, नेट सेल्स की रेट यहाँ पे आपको दी है, तो आप क्या लिखोगे? इज इक्वल्स टू नेट सेल मल्टीप्लाई बाय, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन, लेकिन मैं जस्ट दिखा रही हूँ. इट इज गुड दैट यू शुड नो द वे. ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी चीज पे अगर कोई कमीशन या कोई आपको परसेंटेज ब्रोकरेज वगैरह निकालनी है, तो आप किस अमाउंट पे निकालने बोला है. अगर नेट सेल्स है तो नेट सेल्स, ग्रॉस सेल्स है तो ग्रॉस सेल्स, अगर आपको कमीशन बोला प्रॉफिट पे, ऑन नेट प्रॉफिट और नॉट नेट प्रॉफिट, इस तरीके से आपका. लेकिन नेट प्रॉफिट पे नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग कमीशन को मेंशन करने के बाद में नेट प्रॉफिट आता है, राइट. ग्रॉस प्रॉफिट पे हो सकता है. तो इस तरीके से आपका नेट सेल्स दिया है क्वेश्चन में 2,50,000, तो 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय आप करोगे 5/100, तो 0,000 आपका कैंसिल हो गया. 2,500 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमको 12,500 आएगा. तो इस तरीके से आपका कमीशन, जो करण को जो कमीशन मिलने वाला है वो कितना हो गया? 12,500 कमीशन हो गया. सैलरीज, सैलरी किसको मिलने वाली? किसको सैलरी मिलने वाली है? करण को सैलरी है कि किरण को सैलरी है? करण को सैलरी है और किरण, यहाँ पे किरण है. हाँ, पूरे सम में गड़बड़ है यहाँ पे. सैलरीज टू करण, किरण को कमीशन है एंड करण को सैलरी है. करण को सैलरी कितने लेने बोला? 1,800 पर मंथ. तो 1,000 रुपीज, 1,800 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स आप करोगे ना, क्योंकि पर मंथ की दी है ना. पीएम मतलब यहाँ पे पर मंथ, ये आपके टाइमिंग पर मंथ. ठीक है, तो यहाँ पे आप जब मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई आपका इसका ये आ जाएगा, कितना आएगा हमारे इसकी सैलरी आप जब कैलकुलेट करोगे तो कितनी आएगी? 0,000. फिर आप कैलकुलेट करने पे आपको 6 और यहाँ पे 21,600 रुपीज़, 21,600 नहीं, तो आप इस तरीके से आपका मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो. ठीक है ना, 12 8 का क्या होता है? 96 होता है ना, तो 6 कैरी ओवर 9, 12 1 12 है, 9 करते तो 21, तो इस तरीके से आपका 21,600 आ जाता है. ठीक है, फिर बाद में अभी और क्या बचा? प्रॉफिट, फिफ्थ आपका क्या है? प्रॉफिट शेयर, शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इसको क्या बोल सकते हैं हम? डिस्ट्रीब्यूशन, बांट रहे हैं ना उनमें प्रॉफिट, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आपको पता है, करण और किरण दोनों को इक्वल मिलने वाला है. क्या मिलने वाला है? करण किरण इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. कितना है प्रॉफिट? 60,000, राइट. 60,000 का प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, 1:1 इक्वल, मतलब 1:1 का रेशो, मतलब दो टुकड़े कर दो प्रॉफिट के, 30,000 30,000. इसकी कैलकुलेशन हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं थी, क्योंकि इक्वल है करके 30,000 इसको मिलेगा. अभी एक एक अमाउंट और सब अमाउंट उठा के हम लेजर बनाएंगे. ठीक है, यहाँ पे पहला हम चलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड पे. किस पे जाएंगे? फिक्स्ड कैपिटल मेथड. तो फर्स्ट मेथड हम एडॉप्ट कर रहे हैं, और क्वेश्चन में भी आपको फर्स्ट मेथड वो ही सॉल्व करने बोला है, कि आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड, आपका जो क्वेश्चन दिया है मेथड वन कौन सा है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड. फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जब भी फिक्स्ड कैपिटल मेथड की बात आती है तो याद रखो, एक कैपिटल अकाउंट बनेगा और दूसरा करंट अकाउंट बनेगा. क्या? कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट. तो कैपिटल अकाउंट में खाली आप कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस, कोई एडिशनल कैपिटल आया है इन टर्म्स ऑफ गुड्स या कैश तो आप उसको मेंशन करोगे, बाकी उसको क्लोज डाउन कर दोगे, और बाकी सारे कैपिटल रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है, इंटरेस्ट वगैरह के, ड्रॉइंग्स वगैरह, सब आप करंट अकाउंट में शो करोगे. तो यहाँ पे आप पहले किसका लिख लोगे? करण का नाम लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन के ऑर्डर के हिसाब से करण एंड किरण. यहाँ पे भी आपकी इन जो दिए हैं नेम्स में गड़बड़ की है लेजर में, टेक्स्ट बुक के लेजर में, यहाँ पे भी एरर है, किरण किरण ही लिख दिया है, तो आपको यहाँ पे भी करेक्शन करना पड़ेगा.
अभी पता नहीं, शायद आपकी प्रिंट होने के बाद में अगर बुक्स आई और उसमें बराबर आया तो, अभी पीडीएफ में तो ऐसा आया है मैं बता नहीं सकती, क्योंकि जब तक मैं टेक्स्ट बुक देखूंगी नहीं, पर पीडीएफ के हिसाब से तो अगर प्रिंट निकल चुके हैं बुक्स के तो यहाँ पे एरर हो चुका है। तो इस तरीके से आप अगर एरर हुआ तो आप करेक्शन ले लेना, मेरा लेक्चर वीडियो वापस देख लेना, कहाँ पे डाउट होगा कन्फ्यूजन होगा तो। पर्टिकुलर्स, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट, और टॉप में हम इसको क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपके पास इसके बैलेंसेस है, वो ओपनिंग बैलेंस है, बिजनेस स्टार्ट ही किया, उन्होंने बोला कि कैश लाया है, क्वेश्चन में क्या बोला, हैव स्टार्टेड बिजनेस, ओके दे कॉन्ट्रीब्यूट, तो यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग है, बिगनिंग है, यहाँ पे कोई बैलेंस फॉरवर्ड होके नहीं आ रहा है, राइट तो आपको इसको बाय कैश एंड बैंक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय कैश एंड बैंक, इन कैश ही लाया उन्होंने, कुछ नहीं बस रुपीज लाया करके बताया, तो मतलब उन्होंने कैश लाया, इनिशियल इनिशियल वर्ड यूज हुआ, मतलब वो जस्ट बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो दोनों ने इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल लाया, तो 5 लाख 5 लाख आप क्या करोगे, दोनों के कॉलम के अंदर में 5 लाख 5 लाख लिख लोगे। अब आपको पता है और कोई दूसरी एंट्री यहाँ पे आने वाली नहीं है, कोई एडिशनल कुछ और आ रहा नहीं है ड्यूरिंग द ईयर, कुछ भी एडिशनल कैपिटल नहीं आ रहा है, तो इसको क्लोज डाउन करके 5 लाख, और यहाँ पे क्लोज डाउन करके इसको 5 लाख आपने लिख लिया, दोनों का अमाउंट लिख लिया, सेम आप यहाँ पे टोटल कॉलम में, क्योंकि आपका क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, क्रेडिट साइड ही मोर है यहाँ पे, तो वैसे भी अमाउंट है नहीं ये 5 लाख, तो इसके बाद 5 लाख यहाँ पे आप 5 लाख लिख लेंगे, और फिर यहाँ पे भी ये 5 लाख बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, और ये कहाँ जाएगा, नेक्स्ट ईयर के, नेक्स्ट ईयर के का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा ये, तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, बाद में आप नेक्स्ट ईयर में इसको, यहाँ पे ये डेबिट साइड में है तो नेक्स्ट ईयर के उसमें वो क्रेडिट साइड में आपका जाके आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करने वाले, यहाँ पे उसकी नेसेसिटी नहीं है, ये जस्ट मैंने शो करने के लिए एरो किया कि अब जब ये अमाउंट नेक्स्ट ईयर में जाएगा तो ये कहाँ पे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आप इसको मेंशन करोगे। अभी यहाँ पे हम पार्टनर्स करंट, अभी जैसे कि हम सब पढ़ चुके हैं, हमको अभी आइडिया भी लग गई है, राइट कि ये क्या है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, इसलिए हमको पार्टनर्स करंट अकाउंट की भी रिक्वायरमेंट होती है, सबका करंट अकाउंट भी ओपन होता है पार्टनर्स का, क्योंकि कैपिटल रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं तो फिर वो कहाँ पे आते हैं, आपके पार्टनर्स करंट अकाउंट में आते हैं। तो आपसे बात करते करते मैंने अभी यहाँ पे ये भी लिखना शुरू कर दिया है, तो यहाँ पे करंट अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स लिखने के बाद में यहाँ पे किरण अमाउंट रुपीज, छोटे छोटे एरर हो सकता है टेक्स्ट बुक में निकल के आए, पीडीएफ में तो दिख रहे हैं, लेट्स सी टेक्स्ट बुक आने के बाद में हार्ड कॉपी, करण देन किरण, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस, ये तैयार हो गया। अब इसके बाद करंट अकाउंट के बैलेंसेस आपको दिए हैं, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिए, हमने क्वेश्चन रीड किया उसमें कोई भी करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं है, तो डायरेक्ट हमने जो हमारे वर्किंग नोट किए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया था, तो 60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, वो हम कहाँ पे करंट अकाउंट में शो कर देंगे, तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट में 60,000, तो बाय इंटरेस्ट बाय साइड आएगा, क्योंकि ये इवन कैपिटल में अगर ये यहाँ पे तो चलो फिक्स कैपिटल मेथड है, अगर फ्लक्चुएटिंग होता तो हम कैपिटल में भी उसको क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते, तो यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस हो गया ना एक तरीके से, इसलिए फर्म इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में शो करती है, राइट तो यहाँ पे 60,000 जैसे हमने कैलकुलेट किया था 60,000 हम इधर मेंशन करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सैलरीज, भी हमने देखी थी कितने सैलरीज है, किसकी सैलरीज हमने कैलकुलेट किए, सैलरी किसको मिलती है, करण को मिलती है, सैलरी करण को मिलती है, तो हम करण के कॉलम के अंडर में इसको करण लिखा है हमने, तो 21,600 करण के कॉलम में लिख लेंगे, फिर बाय एज पर आर कैलकुलेशन
आपका जो कमीशन हमने यहाँ पे कमीशन कैलकुलेट किया था, कमीशन किसका? किरण का। हो किरण का कमीशन है 5%, तो वो 12,500 हम किरण के कॉलम में लिखेंगे। तो बाय कमीशन अकाउंट, अकाउंट लिखना जरूरी है, अकाउंट लिखना है सब जगह यहाँ पे, तो डैश कर देते। किरण को सैलरी नहीं है, करण को कमीशन नहीं है, तो कितना कमीशन 12,500 कैलकुलेट किया था नेट सेल्स पे, तो 12,500 यहाँ पे एंटर कर लेंगे। उसके बाद में हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट 30,000 इक्वली राइट, तो ये कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में ही बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन ना, तो लेजर में क्रेडिट साइड में यहाँ पे हम इनकम और गेन्स है वो सारे शो कर रहे हैं यहाँ पे 30,000। फिर क्या बच गया? ड्राइंग्स बच गया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी बच गया। तो ड्राइंग्स कितना कितना है दोनों का? ड्राइंग्स हमने क्वेश्चन में देखेंगे तो 20,000 एंड 15,000, और इसका जब हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो 300 एंड 225 है, तो हम लिखेंगे 20,000 एंड 15,000। करण का कितना है? 20,000, हम यहाँ पे लिखेंगे टू ड्राइंग्स अकाउंट 20,000 करण के कॉलम में, सॉरी, एंड 15,000 किरण के कॉलम में। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कैलकुलेट कर लिया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स याद है हमने टर्न किया पेज क्या था, याद हो तो 300 रुपीज़ एंड 225 राइट। यहाँ पे कैलकुलेशन में एरर है वो भी आपको करेक्ट करना है, ठीक है, एग्जाम्पल में कन्फ्यूजन नहीं होना वहाँ पे देख के। अभी आप सारे एंट्रीज हो गए हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज डाउन करेंगे। क्या करेंगे? क्लोज डाउन, देख के पता चल रहा है कि डेबिट साइड में क्या है, ज़्यादा है, सॉरी क्रेडिट साइड में, सॉरी क्रेडिट साइड में ज़्यादा है, तो क्रेडिट को पहले क्लोज डाउन करेंगे टोटल मीनिंग में। तो ज़ीरो यहाँ पे, ज़ीरो फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 6 + 1 + 3 कितना हो जाएगा? 10 राइट, तो ये हो गया 1,02,000। तो यहाँ पे भी लिखेंगे 1,02,500, पहले क्लोज डाउन कर लेते हैं क्रेडिट साइड पूरा। यहाँ पे 0,0, यहाँ पे आएगा 6, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, ये 1, फिर यहाँ पे 6 + 2 = 8, 8 + 3 = 11, तो 1,11,600। तो यहाँ पे भी लिखेंगे 1,11,000। ये सब कॉपी डाउन करने के टाइम पे काफ़ी आपको ध्यान रखना है, ये गलती से फिर पूरा आगे तक पूरा सम टैली होने में गड़बड़ हो जाती है, पूरा रॉन्ग हो जाता है फाइनल अकाउंट, छोटा सा एरर भी नहीं चलता है। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आने वाला है, आप पेंसिल से कर सकते हो। ये 15,225 है और ये आपका 20,300 है राइट। अब आपको रिवर्स माइनस कर लो नीचे से ऊपर, तो 0 - 5 पॉसिबल नहीं है, जाओ बाजू में उसके पास भी नहीं है, तो इसको बनाओ 4, यहाँ पे हो गया 9 और यहाँ पे हो गया 10। तो 10 - 5 किया तो आपका 5 आने वाला है, जस्ट करके देख लो हल्के से। फिर 9 - 2 किया तो 7 आने वाला है, और 4 - 2 किया तो 2 आने वाला है राइट। तो इस तरीके से आपका ये हुआ कॉमा, यहाँ पे 2 - 5 पॉसिबल है क्या? नहीं है, बाजू में जाएं 0 है ये इसके पास, तो यहाँ पे हो गया 0 और ये क्या हो गया, इसको इसको 1 मिल गया, लेकिन ये बाजू में देने वाला है इसलिए इसको 9 और इसको 12, तो 12 - 5 करेंगे तो कितना होता है 7, तो ये 7 और ये आपका 9 - यहाँ पे आपका आप करोगे 9 - 1 करोगे तो आपका 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8, तो 87। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि क्या अमाउंट है, तो आप लिख लोगे 87,275 आ रहा है, तो लिख लो 87,275। सेम वे यहाँ पे भी फटाफट 0 - 0, 0 - 0, 6 - 3, 3, फिर 1 - 0, 1, फिर 1 - 2 तो पॉसिबल है, 11 - ले सकते हो आप, 11 - 2 किया तो 9, ठीक है, तो आपका ये 91,300 कितना आएगा, 91,300 ये आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ये बैलेंसिंग फिगर हमने सर्कल कर लिया ना, बैलेंसिंग फिगर है, तो टू बैलेंस कैरी डाउन, ये नेक्स्ट ईयर जब करंट अकाउंट बनेगा तो वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होने वाला है, एज वेल एज हम बैलेंस शीट में भी इसको
लायबिलिटीज के अंडर में शो करेंगे। ये वाला अमाउंट भी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंडर में शो होगा और ये वाला भी, ये एज अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो करेंगे और इसको एज अ पार्टनर्स करंट अकाउंट हम शो करने वाले हैं। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। क्या है ये? बैलेंसिंग फिगर। इस तरीके से ये हो गया। तो हमारा फर्स्ट जो मेथड है, जो क्वेश्चन में पूछा है, फिक्स कैपिटल मेथड, वो हमने कवर अप कर लिया। अभी क्विकली फटाफट हम फिक्स कैपिटल मेथड भी कर लेते हैं। फिक्स कैपिटल हमने कवर अप कर लिया, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड भी कर लेते। तो सेकेंड हमको क्वेश्चन में पूछा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्या पूछा है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो सेम एग्जाम्पल और सारे अमाउंट सेम, कैपिटल मेथड आपको फॉलो करने बोला है। तो यहाँ पे आपको खाली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कैपिटल फिर से लिखने लगी, कैपिटल में देखो ध्यान का है मेरा, कैपिटल अकाउंट, यू आर बी केयरफुल, कैपिटल अकाउंट, ओके डेबिट। यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखेंगे आप। पर्टिकुलर्स लिखने के बाद में यहाँ पे आपका आएगा इसका नाम क्या है, करण। तो यहाँ पे आप लिखोगे करण, किरण पार्टनर का नाम है, करण किरण। अगर मैं आपको कंपेयर करते हुए बताऊं, पहला मेथड फिक्स कैपिटल विद द फ्लक्चुएटिंग सेम, फटाफट क्विक हम अमाउंट लिख लेते हैं, कैलकुलेशन हमने कर लिया है, राइट। पहले ही सारे अमाउंट के कैलकुलेशंस हो चुके हैं हमारे। तो यहाँ पे से आप क्या करोगे, ये जो बाय कैश एंड बैंक है, ये यहाँ पे लिख लोगे बाय कैश एंड। यहाँ पे इनिशियली बिजनेस स्टार्ट ही किया है और दोनों ने 5-5 लाख, 5-5 लाख रुपीज़ दोनों ने लाया है, करण एंड किरण दोनों ने लेके आए हैं, अमाउंट लेके आए हैं 5-5 लाख दोनों ने लाया है। तो हम यहाँ बाय कैश एंड बैंक 5 लाख लिख देंगे। उसके बाद में बाय इंटरेस्ट ऑन, ये जो हमारा यहाँ पे है, ये जो हमने करंट में, तो सारे करंट से उठा के कैपिटल में खाली, जब कौन से केस में होता है ये, जब आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है, तो मतलब उसमें कैपिटल में वेरिएशंस आते हैं, तो आप सब सारे इंटरेस्ट बैंकिंग खत्म हो गई। बाय इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर ही लिख लोगे आप, आपका कितना है कैलकुलेशन आपने किया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 वर्किंग नोट में भी कर रखा है। अभी क्या आपको सिखाने के लिए ये कंपैरेटिवली दोनों भी मेथड पूछा गया, तो फिर क्विकली अभी यहीं से देख लेते हैं। फिर ये बाय सैलरीज, खाली इसमें फ्लक्चुएटिंग और ये याद रखना है आपको, बाय सैलरीज अकाउंट, सैलरी ओनली करण को है तो 21,600, बाय कमीशन, कमीशन ओनली किसको है, तो किसके, करण में डैश करो और किरण में लिखो 12,500 कमीशन, ठीक है। उसके बाद में बाय प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000 हमने कैलकुलेट किया हुआ इक्वल, यहाँ पे रेशियो दिया नहीं था इसलिए इक्वली, हमको कहीं पे बोला नहीं आधा आधा, लेकिन हमको अंडरस्टूड है कि रेशियो नहीं दिया है तो आपको इक्वली लेना है। फिर उसके बाद में आते हैं यहाँ पे जो ड्राइंग्स जो हमने करंट में डाले थे, वो करंट इंस्टेड ऑफ करंट, जब फ्लक्चुएटिंग होता है तो करंट अकाउंट नहीं बनता है, हम सारे के सारे कहाँ पे शो करते हैं, हम सब के सब कैपिटल में ही उसको दिखाते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू, क्या शो करेंगे, टू ड्राइंग्स अकाउंट 20,000 15,000, फिर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहीं पे आएगा, ये क्योंकि करंट बनने ही नहीं वाला है, फ्लक्चुएटिंग है तब करंट बनने ही नहीं वाला है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ये बात आपसे, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपको ट्रायल बैलेंस में या क्वेश्चन में कहीं पे है ना करंट की वैल्यू दी होगी, नई वैल्यू दी है, राइट, और उस वक्त आपको फिक्स्ड कैपिटल बोल दिया तो भी आपको बनाना है यहाँ पे, जबकि करंट के बैलेंस आपको नहीं दिख रहा है, राइट, आपको करंट अकाउंट बनाना है, इसलिए आपको याद रखना है क्वेश्चन में क्या बोला है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें जाना है। तो जब फ्लक्चुएटिंग बोला है तो आपको ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और अगर आपको फिक्स्ड बोला है तो कैपिटल एज वेल एज करंट दोनों बनने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपका हमने कैलकुलेट किया है,
कितना है 300 एंड यहाँ पे 225। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके बाय बैलेंस कैरी डाउन में ना डिफरेंस आने वाला है, राइट ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे करंट बना नहीं है अभी यहाँ पे। फिर अब देखोगे तो यहाँ पे क्या आपका डेबिट साइड ही ज़्यादा दिख रहा है, यस सही है, डेबिट साइड आपका मोर दिख रहा है। कैलकुलेशन करो फटाफट, ए 0 0 500, ठीक है 500 हो गया ना, 5 लिया ये वाला 5, फिर उसके बाद में 2, ठीक है फिर 6 + 1 9 sorry 6 + 1 7 7 + 3 10, 0 कैरी वो 1, तो 5 + 1 6 हो गया, तो 6,02,500, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 0 6 फिर 1 6 + 2 8 8 + 3 11, तो 1 कैरी ओवर इधर बना है, तो 6 6 + 2 8 8 + 3 यहाँ पे आया 1 + 5 6, तो 6,11,600। तो सेम आप यहाँ पे लिख लोगे पहले 6,02,500 एंड 6,11,600, ठीक है। उसके बाद में आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे 15,225 माइनस करोगे जब इसमें से, तो आपका माइनस करने पे आपको 0 - 5 तो पॉसिबल नहीं है ना, इसका टोटलिंग आपका अगर आप ले रहे हो फेंसेस से तो 15,225 यहाँ से कहीं और ले जाके अमाउंट का टोटलिंग नहीं करना, जो करना है यहीं पे करो, थोड़ा पेंसिल का यूज कर लो चलेगा, बाद में इरेज कर दो आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो, लेकिन अमाउंट उठाने में उसमें टाइम वेस्ट भी होगा और आपका अदर सम्स फिर पेंडिंग रह जाएंगे। 0 - 5 नहीं है, 0 - नहीं पॉसिबल, इसके पास भी 0 यहाँ पे गया, ये हो गया 4, ये हो गया 9 और ये हो गया 10, तो 10 - 5 कितना होगा आपका 5, 9 - 2 कितना होगा 7, राइट 4 - 2 कितना होगा 2, फिर यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे ये क्या है, सॉरी 2 - 5 नहीं पॉसिबल है, तो यहाँ पे हो गया 5 और यहाँ पे हो गया 9 और यहाँ पे 12, 12 - 5 किया तो कितना होता है 7 होता है, 7, फिर उसके बाद में आपका 9 - 1 किया तो 8 और ये ऑलरेडी 5 हो गया था, तो 5 8 7 2 7 5, और यहाँ पे जब 0 - 0 0 0 - 0 0, 6 - 3 3, राइट, फिर आपका 11 - 1 - 0 1 1 - 2 तो पॉसिबल नहीं है, तो ये हो गया 5 आपका, ये हो गया 5 और ये 11 11 - 2 किया तो 9 और यहाँ पे ये 5, तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होगा कैलकुलेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस, ये क्या है बैलेंसिंग फिगर है, तो कैरीड डाउन, ये कैरीड डाउन कर रहे हैं हम, ब्रॉड डाउन नेक्स्ट ईयर में होगा, यहाँ पे तो हमने निकाला है ना माइनस करके बैलेंसिंग फिगर, अब इसको नेक्स्ट ईयर में हम क्रॉस साइड में इसको, जब नेक्स्ट ईयर के लिए हमको ये अमाउंट चाहिए तो हम बाय बैलेंस ड्रॉप डाउन करके हम इसको इस तरीके से मेंशन करेंगे, और अमाउंट है जो 5,91,300 and 5,87,275, इस तरीके से आपका ये सब भी कवर अप हो गया है। तो ये एग्जांपल भी मैंने सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आज का सेशन मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बेल बटन दबा के रखिए, उसको प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर चिल्ड्रन,